भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की बड़ी कार्यवाही, सरकारी चिकित्सक व क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार, झोला छाप चिकित्सक से रिश्वत लेते गिरफ्तार, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज नहीं कराने की एवज में ली थी रिश्वत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर थे तैनात विजुअल्स, डिटेल्स विजुअल्स में कार्यवाही करती हुई एसीबी टीम, रिश्वत लेते गिरफ्तार चिकित्सक व क्लर्क और बायट सम्मिलित है, एंकर राजस्थान के भरतपुर। मैं आज भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की टीम ने विशेष कार्यवाही करते हुए चिकित्सा विभाग में तैनात एक चिकित्सक व क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, साथ ही अभी उनके मकानों पर भी जाँच की जा रही है। रिश्वत लेने के आरोपी चिकित्सक डॉक्टर रतिराम चौधरी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेन्नूर पर तैनात है, और क्लर्क धर्मेंद्र जैन, जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डी कार्यालय में तैनात है, को एसीबी ने कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के उप अधीक्षक अशोक चौहान ने बताया कि जनुट गांव के निवासी गिरिराज सिंह ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अस्थाई चिकित्सा की दुकान गांव में चलाता है, जिसको चिकित्सा विभाग ने सीज किया था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराने की एवज में चिकित्सक रतिराम चौधरी व क्लर्क धर्मेंद्र जैन 12,000 रुपए की रिश्वत लेने की मांग कर रहे थे, जिस पर एसीबी में शिकायत की पुष्टि कराई। शिकायतकर्ता से आरोपियों ने 2,000 रुपए की रिश्वत विगत दिन ले ली थी और आज 10,000 की रिश्वत ले रहे थे, तभी एसीबी टीम ने रिश्वत लेते हुए क्लर्क धर्मेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया और चिकित्सक डॉक्टर रतिराम चौधरी को हिरासत में ले लिया है, जिनके कमरों की भी जांच की जा रही है। चिकित्सक रतिराम चौधरी जैनूथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है और क्लर्क धर्मेंद्र जैन ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात है।